फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग मोपका के कुटीपारा में आए हुए हैं और जो सिचुएशन है बहुत ही भयानक और डराने वाला सिचुएशन है, क्योंकि एक घर है उसके अंदर कोबरा हर जगह पे घूम रहा है। एक तरीके से कहना चाहिए कि घर में उसी का राज और घर के लोग डरे हुए बैठे हुए हैं। तो चलिए जल्दी रेस्क्यू करते हैं ताकि कोई हादसा ना हो और ना ही रेप्टाइल की जान को खतरा हो, ना ही इंसान की जान को खतरा हो। तो जल्दी चलिए रेस्क्यू करते हैं। ये सर, ये सामने जिस तरीके से इन्होंने बताया, ये कोबरा नहीं है, ये कॉमन करैत है। और ये और भी ज्यादा डराने वाली बात है। जिस तरह से हमें घर वालों ने इन्फॉर्म किया था कि कोबरा है, तो एक्चुअल में कोबरा नहीं है, कोबरा से भी खतरनाक सांप करैत है। तो सोच लीजिए क्या सिचुएशन अगर घर वाले देखते नहीं और घर के अंदर बिस्तर लगा हुआ परिवार रहता है और कोई ना कोई बाइट का शिकार होता है। और अभी हाल ही में हमारे बिलासपुर में एक ही घर से दो भाई को करैत बाइट हुआ है और वो समझ नहीं पाए हैं और उसके बाद वो झाड़फूँक के लिए गए हैं और उनकी जान चली गई है। यहाँ हर साल निकलता है, ये वाले से निकलता है हर साल। ये देखिए घर के अंदर है, बर्तन का रेक है, बर्तन का रेक है और यहाँ पर वो कोई फ्रॉग एक मेढक को पकड़ा हुआ है। और भारत का सबसे, एशिया का सबसे जहरीला सांप कॉमन क्रेत, जिसे साइलेंट किलर भी कहते हैं, नाइट किलर भी कहा जाता है। ब्लैक और गोल्डन है। मोस्टली करैत की पहचान यही होती है कि इस ब्लैक कलर की बॉडी में इसके ऊपर व्हाइट व्हाइट स्ट्रिप होता है। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो ओरिजिनली करैत है, कॉमन करैत, उसके गले से, उसके हेड से लेकर उसके नेक तक कोई आपको लाइन नहीं दिखेगी, व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिखेंगे। देखिए इसमें कितने क्लियर है ये स्पॉट्स। और ये काफ़ी बिग साइज का करैत है। और देखिए उसके बाद जहाँ से इसके गर्दन से थोड़ा नीचे हम लोग आएंगे, काफ़ी नीचे, उसमें देखिएगा फिर व्हाइट कलर के स्ट्रैप्स है पूरे, जो पूरे पूछ तक गए हुए हैं। और सांप किसने देखा था? ये हमारे मजदूर परिवार जिनका खाना यहाँ बना के खाते हैं और घर की गृहिणी देखी थी। नहीं देखे हैं, तो नहीं निकाले हैं। अच्छा, सोचिए कितना हॉरेबल है, ये बिस्तर लगा के बेचारे यहाँ सोते हैं और ये मच्छरदानी लगा हुआ है घर के अंदर। और मजदूरों को क्या क्या फेस करना पड़ता है, गरीबों को। तो यहाँ भी कोई सोता है क्या? यहाँ माता जी स्वस्थ? मैं भर रहा था दादा ये। अच्छा, अकेले रहते हैं? आ जाइए आप, क्या करते हैं आप, कहाँ करते दाइते हैं, कहाँ कर सकते हैं, काम करते हैं, क्या काम? कोई ठीहा पर था। अच्छा, रोजी मजदूरी है। ये रोजी मजदूरी करने वाली जो माँ है, जिनके यहाँ पे ये सांप निकला हुआ था, जहाँ पर ये खाना बनाती है वहीं पे इन्होंने देखा था। तो सोचिए ये कितनी डराने वाली चीज़ है, अकेली रहती है, अकेले रहते थे वहाँ, अकेली रहती है ये यहाँ। अगर ये सांप जो इन लोगों का लग रहा था कि कोबरा है,
ये कोबरा से भी ज़्यादा खतरनाक सांप है। इसका वेनम जहर जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है। कोबरा से 6 से 8 गुना ज़्यादा फैटल होता है ये, और ऊपर से ये साइलेंट किलर है जो इसको ज़्यादा डरावना बनाता है। ये कितनी डराने वाली बात है कि ये अकेले रहती है, अगर कल को कुछ होता है तो ना ये किसी को बता पाएंगी, ना ही कुछ पता चलेगा, एक बड़ा हादसा हो जाता है। और हम लोगों ने सही समय पे आके इस सांप को रेस्क्यू किया, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे किसी रेप्टाइल की हेल्प करते हुए, किसी इंसानों की मदद करते हुए। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और रेगुलर हमारे वीडियो को देखते रहिए, ताकि आपको सांपों से जुड़ी हर जानकारी मिल सके। थैंक यू। जय हिंद। इस वीडियो में स्पेशली मैं कुछ लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आपका फीस कितना है, आप कितना पैसा लेते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा। माँ जी, आपसे हम लोग कुछ पैसा लिए हैं, कुछ मांगे हैं? नहीं। तो भैया, हमारा फीस कुछ नहीं है, हमारा फीस मात्र 100 रुपये है। अगर जो कैपेबल है, जो दे सकता है, उसकी स्वेच्छा मात्र 100 रुपये देगा। क्योंकि मुझे जब कोई 1000 रुपये देता है, 500 रुपये देता है, तो मैं 500 रुपये से 400 रुपये वापस कर देता हूँ, 100 रुपये लेता हूँ। 1000 रुपये से 900 रुपये वापस करता हूँ, 100 रुपये लेता हूँ। क्योंकि आपकी दिया 1000 या 1 लाख रुपये से मेरी जान नहीं बच सकती। रेस्क्यू करते समय स्नैक बाइट हो तो मेरे साथ, और सेम चीज़ आपके परिवार के साथ भी, कहीं आपके बच्चों के भी साथ या फैमिली के साथ स्नैक बाइट होगा तो उस 1 लाख रुपये से आपकी भी बच्चों की जान नहीं बचेगी। लेकिन आपके दिए 100 रुपये के पेट्रोल से मैं 10 गरीब परिवार, ऐसे परिवारों की मदद कर पाऊँगा, चाहे रात के 10 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, चाहे 2 बजे। तो प्लीज़, यही मेरी कीमत है। तो इसी तरह से आपको शायद मेरे फीस के बारे में जानकारी हो गई। तो आगे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। अब दाई ठीक लगा थे? हाँ। डर थोड़ा सा गई जब? चलो ठीक है। अभी जब हम लोगों ने कॉमन किरायत को कुटी पारा मोपा से रेस्क्यू किया, उसको हम लोग उसके नेचुरल प्लेस पर रिलीज कर रहे हैं, ताकि ये अच्छे से बढ़ सके। और ये हमारे पूरे वर्क का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, जब हम लोग सांप को उसकी नेचुरली कंडीशन पर रिलीज़ कर देते हैं।